Assalamu alaikum students and welcome to all the students in the Right Way Academy class 10th biology chapter number 12 that is the coordination and control. The last time students humne endocrine glands ki study kiya tha jisme hormones pituitary gland aur parathyroid gland thyroid gland adrenal gland aur iske sath hamare paas tha pancreas aur gonads. Ab yahan pe aaj hum study karenge feedback mechanism. Ab feedback mechanism kya hota students? A feedback mechanism ek aisa mechanism hai jo hamare hormones body mein release hote hain wo constant rate par work nahi karte. Ab kuch hamare body mein aise hormones hote hain jo oppositely work kar rahe hote hain aur kuch jo hain positive way mein work karte hain. Ab agar positive way mein dekha jaye to isme ek aise hormone ki requirement hoti hai ki jo body ko benefits pahuncha raha hai uski jo secretion hai at the higher rate wo body ko beneficial way mein jo hai wo effect kar rahi hai to is lihaz se uski jo requirement hai wo increase hoti jati hai jiski wajah se uski secretion bhi constantly hoti rehti hai. Ab yahan pe is base par jo feedback mechanism hai usko two types mein divide kiya gaya hai. First one is a positive feedback mechanism and second one is a negative feedback mechanism. तो स्टूडेंट्स अगर हम फर्स्ट नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि दो ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो अपोजिटली वर्क कर रहे होते हैं. अब यहाँ पे अगर हम एग्जांपल हैं ब्लड ग्लूकोस लेवल की, अगर हमारे पास ब्लड ग्लूकोस लेवल फॉर एग्जांपल डिक्रीज कर गया है, फॉल हो गया, ग्लूकोज का लेवल राइज नहीं हुआ, वो फॉल हो रहे हैं, अब यहाँ पर क्या होगा कि एल्फ़ा सेल जो हैं वो स्क्रीट करना शुरू कर देंगे ग्लूकाकोन. ग्लूकाकोन ग्लूकोज लेवल राइज करेगा. अब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हायर हो जाएगा. अब यहाँ पे जो है वो बीटा सेल को सिक्रीशन स्टिमुलस मिलेगा तो वो स्टिमुलेट कर देंगे फॉर द सिक्रीशन ऑफ द इंसुलिन. अब इंसुलिन आएगा यहाँ पे ब्लड में और जो है वो ग्लूकोज के लेवल को कम कर देगा. तो यहाँ पे इस तरह से क्या होगा कि ये दोनों ओपोजिटली वर्क कर रहे हैं कि एक जो हारमोन है वो दूसरे के कंसनट्रेशन को इनहेबिट कर रहा है और दूसरा जो है वो पहले वाले की जो सिक्रीशन है उसको इनहेबिट कर रहा है. तो स्टूडेंट्स इस तरह से दो हार्मोन्स जो हैं वो ओपोजिटली वर्क करते हैं और नेगेटिव फीडबैक को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं हमारी बॉडी में. तो स्टूडेंट्स एक बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है वो कॉमन है हमारी बॉडी में. ज़्यादातर हार्मोन जो हैं वो इस फीडबैक मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए जो है वो अपना वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं. जो पॉजिटिव फीडबैक अगर हम उसकी बात करें, जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है वो लेस कॉमन है एज़ कम्पेयर टू द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. अब पॉजिटिव फीडबैक वो ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हमारे पास एक जो प्रोडक्ट होता है या एक हार्मोन होता है उसकी सिक्रीशन बार बार करवाई जाती है इन बेनिफिशियल वे. उसकी रिक्वायरमेंट बॉडी को ज़्यादा होती है जिसकी सिक्रीशन भी कॉन्स्टेंटली की जाती है. अब यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल लें कि मिल्क इंजेक्शन, इसमें हारमोन्स लाइक इन्वॉल्व होते हैं प्रोलैक्टिन हारमोन और ऑक्सीटोसिन हारमोन. ऑक्सीटोसिन हारमोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो मिल्क प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं. ये जो है ये मेमोरी ग्लैंड्स को डायलेट करवाने में हेल्प आउट करते हैं जिसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और फीटस को इन द फीडिंग जो है वो हेल्प आउट करते हैं. इस तरह से ये बेनिफिशियल और पॉजिटिवली वे जो है एक्ट कर रहे होते हैं इन द बॉडी. तो इस तरह से इनकी जो ऑन द रिक्वायरमेंट जो है इसकी इनकी कंसनट्रेशन कॉन्टीन्यूसली की जाती है. इसी तरह अगर हम बहुत सी ऐसी एग्जांपल हैं जो कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के तौर पर एक्ट कर रही होती हैं स्टूडेंट. यहाँ पे अगर हम ब्लीडिंग की एग्जांपल लें तो यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन जो है वो एक प्रोटीन है वो दोबारा जो है वो क्रिएट करवाएगी, प्रोड्यूस करेगी थ्रोम्बिन प्रोटीन को. अब ये वाली जो प्रोटीन है नेक्स्ट प्रोटीन क्रिएट करेगी जो कि फिब्रिनोजिन कहलाती है. अब फिब्रिनोजिन का फंक्शन क्या होता है कि हमारी बॉडी में कहीं भी मैकेनिकल इंजरी अकर हुई है तो उसमें ब्लड क्लॉटिंग करवाना. अब जब ब्लड क्लॉटिंग होगी तो वो ब्लीडिंग को स्टॉप कर देगा. तो इस तरह से क्या होगा कि एक पॉजिटिव वे में एक हार्मोन को रिलीज़ किया जा रहा है जिसकी वजह से एक पॉजिटिव एक्शन परफॉर्म हो रहा है हमारी बॉडी में. तो उसको फिर कॉन्टीन्यूसली जो है वो परफॉर्म किया जाता है ताकि जो पॉजिटिव वे में है वो वर्क करे हमारी बॉडी में कोई भी हार्मोन जिसकी हम सिक्रीशन करवा रहे हैं. अब यहाँ पे स्टूडेंट आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे जैसे कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और
For free online classes, students can join the classes. और FSU और मैट्रिक के जो students हैं इस number पर contact करते हुए अपनी free online classes को join कर सकते हैं. Thank you students and okay, Allah Hafiz.